नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे बीजेपी। युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने की रायशुमारी। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की रायशुमारी। शिवपुरी में सरपंच मानसिंह आदिवासी ने राशि हड़पने का लगाया आरोप। सचिव और सहायक सचिव पर लगाया आरोप का, बिना काम के मस्टर रोल, भयंकर पंचायत की निकाल रहे राशि। अंबिकापुर में पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। युवकों के उत्पाद पर लगाम कसने पर की कार्रवाई, पुलिस ने युवकों को दी हिदायत। खरगोन में ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। दो आरोपी अभी भी चल रहे फरार। सीहोर के श्यामपुर में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, फसलों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट गई है। वहीं सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लोकसभा चुनाव को लेकर के भिंड दतिया लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रायशुमारी की। एक एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया और सभी कार्यकर्ताओं से तीन नाम पूछे। वहीं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि यहां पर सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की और जो कार्यकर्ता है उन्हें नाम लिखकर दिए। उन्होंने लिफाफे में बंद करके वहां पर रिपोर्ट वरिष्ठ नेताओं को देंगे। वहीं जो भी पार्टी का फैसला रहेगा उस फैसले को सभी कार्यकर्ता मंजूर करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न नेता है, न नियत है, न ही नीति है। फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी जी का, जब आदमी की जमीन खो जाती है तो वो बदतमीजी पर उतर आता है। पूरी तरह से कांग्रेस विहीन हो ही रहा है। कांग्रेस मुक्त ये देश होगा तभी तो देश सुपर पावर बनेगा। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। किसी भी राजनीतिक दल को चलाने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, उसकी नीयत अच्छी हो, उसकी नीति सार्थक हो और उसको लागू करने वाला नेतृत्व हो, नेता हो। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह पहुना में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल विजेता स्नेहा बंजारे ने सौजन्य मुलाकात उनसे की। मुख्यमंत्री साय ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर विजेता स्नेहा बंजारे को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए ये उपलब्धि हासिल करना गौरवान्वित करने वाला है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्ता देवी अग्रवाल के साथ की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पूजनीय माता पिस्ता देवी अग्रवाल के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करे। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निवास स्थान पहुंचकर उनकी पूजनीय माता के पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। शिवपुरी जिले की पोहरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मडखेड़ा के सरपंच मानसिंह आदिवासी ने राशि हड़पने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सरपंच कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार कर राशि हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। सरपंच का कहना है कि सचिव और सहायक सचिव अपनी दबंगता से पंचायत में कार्य करा रहे हैं और बिना कार्य के मस्टर रोल भरकर पंचायत की राशि निकाल रहे हैं। साथ ही सरपंच को धमकियां भी देते हैं। वहीं सरपंच ने बताया कि उनके द्वारा पोहरी जनपद सीईओ और जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को कई बार शिकायती आवेदन दिए गए हैं।
तो शिवपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मस्टर रोल कर राशि निकालने का आरोप लगाया गया है। और शिवपुरी जिले के पोहरी जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायत मड़खेड़ा के सरपंच मानसिंह आदिवासी ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने राशि हड़पने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सरपंच कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार कर राशि हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। सरपंच का इस दौरान कहना था कि सचिव और सहायक सचिव अपनी दबंगता से पंचायत में कार्य करा रहे हैं और बिना कार्य के मस्टर रोल भराकर पंचायत की राशि निकाल रहे हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरपंच को धमकियां दे रहे हैं। और वहीं सरपंच ने बताया कि उनके द्वारा पोहरी जनपद सीईओ और जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को कई बार इसके बारे में शिकायत भी दे दी गई है, आवेदन भी दे दिया गया है, लेकिन बावजूद उनके उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो शिवपुरी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच जो है बार बार शिकायत कर रहे हैं कि भाई पंचायत का पैसा निकाला जा रहा है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार फिर से जनसुनवाई में पहुंचकर उन्होंने शिकायत की। सरपंच का कहना है कि सचिव और सहायक सचिव अपनी दबंगता से जो है पंचायत का कार्य करा रहे हैं और गलत तरीके से राशि निकालने का आरोप उन्होंने लगाया। समस्या ये रोजगार सहायक और सचिव हमको बहुत परेशान कर रहे हैं 16 महीने से। हमारी कोई सगुन धाकड़ हाँ नहीं सचिव सेक्रेटरी है। हाँ सेक्रेटरी है। और सहायक कौन है? सहायक मोहम्मद शरीफ खान है। जो, अच्छा कर रहा है ये। जो पंचायत में वही काम करते हैं, हमको करने नहीं देते, हमको पंचायत में वो जाने नहीं देते। अच्छा, अपनी मनमानी करती हैं, हमको पंचायत में बिल्कुल नहीं जाने देते, हमको मारने पीटने की धमकी भी दी जाती है और हमको मानने भी पड़ती है। और हमारी पंचायत में उन लोगों ने 4 लाख रुपए का घपला भी कर रखा है, नहीं कुछ नहीं करवाया, थोड़ा बहुत कराया, नहीं तो नहीं करवाया बिल्कुल भी। शिकायत हमने कई बार लगा ली थी और इसी खूब करी थी, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। ऐसा क्यों सुनवाई नहीं कर रहे? पता नहीं है क्यों नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, यहाँ भी नहीं कर रहे, वहाँ भी नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बच्चों आज हम बनाएंगे हाँ। तो शुरू करें, उठाओ पेंसिल। कुसुम तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? अब तो सबका पक्का घर बन गया ना। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अंबिकापुर में नाबालिग युवकों के उत्पाद पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर 2 रील अपलोड किए गए थे, जिसमें पिस्टल और तलवार का प्रदर्शन किया गया था। वहीं युवक को थाना गांधीनगर तलब कर मामले के संबंध में पूछताछ की गई। वहीं इस दौरान युवक ने बताया कि पिस्टल युवक का नहीं है। युवक द्वारा यूट्यूब से एक वीडियो को डाउनलोड कर लोगों को प्रभावित करने के लिए इस आशय में रील के रूप में उसे अपलोड कराना बताया गया है। और तलवार के संबंध में पूछताछ किए जाने पर युवक ने बताया कि युवक एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां शादी रस्म में इस्तेमाल की जाने वाली तलवार को पकड़कर फोटो लिया था, जिसे रील में प्रयोग किया गया। और वहीं पुलिस ने आरोपी को कड़ी हिदायत देते हुए समझाइश दी गई है। तो अंबिकापुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग युवकों के उत्पाद पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर दो रील अपलोड की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पिस्टल और तलवार का प्रदर्शन करते हुए ये रील वायरल हुई थी, जिसमें युवक को पुलिस ने थाने में बुलाया और उससे पूछताछ की तो पता चला कि युवक ने कहा कि जो पिस्टल का वीडियो है वो उसने कहीं और से डाउनलोड करके अपने पास उसका प्रयोग करते हुए उसे YouTube से डाउनलोड उसने वीडियो किया था, जिसके बाद से उसने रील के तौर पर अपने अकाउंट में पोस्ट कर दी। और तलवार को लेकर के युवक ने बताया कि वो किसी शादी समारोह में गया था, जहां पर उसे शादी में इस्तेमाल होने वाली तलवार मिली तो उसने उसके साथ फोटो खिंचाया और उसे रील फॉर्मेट में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाल दिया। फिर उसके बाद से पुलिस ने युवक को समझाया और आगे से इस तरीके की गलती न करने की हिदायत दी। और प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आष्टा में सामूहिक विवाह समारोह 29 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। वहीं इस विवाह समारोह में 900 से अधिक कन्याओं का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न होगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने 29 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और सामूहिक विवाह समारोह के भव्य और सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर आगमन, निर्गम, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग और बैठक व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो आष्टा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सामूहिक विवाह हुआ था और सरकार द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनकी बेटियों के लिए सामूहिक विवाह कराया गया और इसके तहत आष्टा में ये सामूहिक विवाह हुआ। 29 फरवरी को आयोजित अब होने वाला है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस सामूहिक विवाह समारोह में 900 से ज्यादा कन्याओं का पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ विवाह होना है, तो एक बड़ी तैयारी के साथ ये विवाह होगा। सामूहिक रूप से 900 से ज्यादा कन्याएं एक साथ विवाह मंडप में बैठेंगी और पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ही विवाह समारोह संपन्न कराया जाएगा। 29 फरवरी की इसकी तारीख बताई जा रही है, जिसको लेकर के तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को इससे संबंधित जो है दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाना है और इसके लिए लगातार जो है कलेक्टर और कार्यक्रम स्थल पर बाकी जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और पेयजल समेत, बैरिकेडिंग समेत, पार्किंग समेत सभी व्यवस्थाओं को सही समय पर सुनिश्चित हो इसके भी लगातार जो है देखा जा रहा है और इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर। कोंडागांव जिले के क्षेत्र ग्राम काटा गांव में राम मंदिर की ऐतिहासिक श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की गई और वहीं काटा गांव और आसपास के गांव से बुजुर्ग, युवा महिलाएं, बच्चे राम भक्ति में डूबे हुए नजर आए। बता दें कि श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ काटा गांव पहुंची। वहीं शोभा यात्रा शांतिपूर्वक ढंग से झांकी के साथ काटा गांव से भ्रमण किया गया। वहीं भक्तों के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था श्रद्धालुओं के द्वारा की गई। तो काटा गांव की आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ यहां पर नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहां पर हुई है और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, इस पल का गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और इस दौरान जो है लोगों के लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के द्वारा की गई और भारी भीड़ यहां पर भक्तों की दिखी। और बैरसिया के संत रामचरण यादव अयोध्या काशी प्रयागराज की धार्मिक पदयात्रा कर वापसी सोमवार को बैरसिया पहुंचे। बैरसिया आगमन पर नगर के रेंज चौराहे पर कई गणमान्य लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर संत का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। आपको बता दें कि संत यात्रा में अपने साथ कई पावन नदियों का जल लेकर आए, जिससे बैरसिया में शिवलिंग का अभिषेक किया गया।
पैदल करिए जहाँ से पहुँचे बागेश्वर पैदल यात्रा, बागेश्वर से अयोध्या जी पहुँचे, अयोध्या जी 14 तारीख के पहुँचे, 24 तक अयोध्या जी में रहे, 24 को चले तो काशी जी पहुँचे, काशी जी से चले तो प्रयागराज जी आए, प्रयागराज जी से चित्रकूट जी आए, चित्रकूट जी से महाकंकाली सुगाताल पे आए, सुगाताल से कुंदनपुर आए, कुंदनपुर से बांधकपुर आए, बांधकपुर से अब सबके देवी देवताओं की धोख करते हुए तुम्हारी बस्ती में रहन चौराहे आ गए। तो ये पूरी यात्रा पैदल ही रही है, वाहनों द्वारा करी है? बिल्कुल पैदल, जा में चैन नहीं होगी, पैदल नहीं होगी, कोई चला दे वो तो बाकी हाथ पांव दाबूंगो। अच्छा, तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? भगवान राम से मिले। अच्छा, भगवान राम से मिले। एक तैयारी से गाँव चौथे से आदेश लग गया महाकाल जाने हैं अब तो। अब अभी 3 दिन रुके हुए, चौथे दिन महाकाल की यात्रा चालू। और अब खबर खरगोन से है, जहां पर पीएचई विभाग की पाइपलाइन फूटने से लाखों गैलन लीटर पानी बर्बाद हो गया। वहीं किसानों की फसलें भी इससे काफी प्रभावित हुई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पानी पाइपलाइन के माध्यम से जलूद से इंदौर लाया जा रहा था, और वहीं इस दौरान पाइपलाइन फूटे होने के कारण पानी रास्ते में ही बर्बाद हो गया। वहीं इस घटना के बाद से पीएचई विभाग पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और अब खबर खरगोन से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,20,000 रुपये कीमत की 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। वहीं ब्राउन शुगर बेचने वाले 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बड़े नेटवर्क या गिरोह से आरोपी के जुड़े होने की आशंका भी पुलिस को है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंबिकापुर में दुपहिया वाहन चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से दुपहिया वाहन भी जब्त किया गया है, और आरोपी के विरुद्ध थाना सीतापुर में पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आपको बता दें कि संपूर्ण मामले में थाना बतौली से प्रधान आरक्षक सुमन कुजूर, आरक्षक भगलू पैकरा, राजेश खलखो, पंकज लकड़ा शामिल रहे। और वहीं श्यामपुर में ओलावृष्टि और आंधी के साथ ही बारिश हुई है, जिससे अन्नदाता किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसान की 4 महीने की मेहनत पर प्राकृतिक आपदा ने भारी नुकसान किया है। वहीं किसान की फसल का लगभग 70 से 80% नुकसान बताया जा रहा है। कई किसानों ने कर्ज लेकर अपनी फसल बोई थी, जो अब किसानों की लागत निकालना भी मुश्किल हो पा रहा है। वहीं किसानों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द सभी किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान अपना कर्ज चुका सके। और खरगोन जिले की आदिवासी अंचल में अचानक मौसम में बदला देखने को मिला है। वहीं बेमौसम बारिश से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को इस बारिश से काफी नुकसान होने वाला है, खासकर गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हो सकता है। पहाड़ी अंचल भगवानपुरा और उसके आसपास के कई गांवों में बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं खरगोन में भी 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं। और अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से सड़क सुरक्षा जागरूकता के साथ साथ निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा पुलिस की तरफ से बीते दिन रोड पर यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों और भारी वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। वहीं यातायात पुलिस ने कुल 21 प्रकरण दर्ज कर कुल 19,500 रुपये की चालानी राशि वसूल की है। आपको बता दें कि सरगुजा पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। वहीं सरगुजा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यातायात के नियमों का पालन करें।
और पखांजूर में बीएसएफ के दिशा निर्देशन में नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति आपसी सद्भाव, विश्वास और मित्रता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में 47 बटालियन बीएसएफ के द्वारा पुलिस स्टेशन परतापुर के अति नक्सल प्रभावित इलाका महला के बीएसएफ कैंप में सिविक एक्शन और फ्री मेडिकल कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान का वितरण किया गया, जिसमें बर्तन, मच्छरदानी, छाता, कीटनाशक, दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन, पानी की टंकी और छात्रों द्वारा गांव के युवाओं को खेलकूद के सामान के साथ साथ स्टेशनरी सामान का भी वितरण किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बीमार ग्रामीण और बच्चों के उचित उपचार के लिए फ्री दवाइयां भी वितरित की गई और कार्यक्रम में ग्रामीणों, अध्यापकों और छात्रों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां शासकीय स्नातकोत्तर स्कूल में छात्राओं को महिला संबंधित कानून, साइबर क्राइम से सुरक्षा संबंधित उपाय और अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई है। वहीं इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इस दौरान छात्राओं से उनकी समस्याएं भी पूछी गई और साथ ही छात्राओं को भविष्य में कोई भी समस्या होने पर संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर भी दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किया गया है। वहीं इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेंगी, यानी अब महिलाओं को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर के सुझाव भी पुलिस विभाग तक पहुंचा सकेंगी। और मध्य प्रदेश की बड़वाह पुलिस ने नावघाट खेड़ी नर्मदा घाट में मुखबिर की सूचना पर 24 साल के आरोपी दीपक तिवारी को 1,20,000 रुपये कीमत की करीब 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर ने दी है। वहीं आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बड़वाह के योगेश ठाकुर उर्फ बच्चा, परवेज उर्फ पलटू और अहमद पिता नाडू तीनों से खरीदा हुआ बताया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों पर एनडीपी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है, साथ ही पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। को हमें एक सूचना मुखबिर से मिली थी कि एक नावघाट खेड़ी का लड़का है, तो ब्राउन शुगर बेचने का कार्य काफी समय से कर रहा है। हम लोगों ने उस सूचना की तस्दीक की, उसको डेवलप किया और फिर कल दिनांक शाम को उसको राउंड अप किया गया। तलाशी में उसके पास से लगभग 12 ग्राम ब्राउन शुगर मादक पदार्थ मिला है, जिस पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबृत कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दीपक तिवारी पिता कृष्णकांत तिवारी 24 वर्ष का है और नावघाट खेड़ी का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में बड़वा के योगेश ठाकुर और बच्चा अहमद और एक परवेश करके उससे लेना तथा सद्दाम वगैरह ये लोग इनको बेचना भी बताया है और माऊ से राहुल करके है। आज इसका न्यायालय प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अन्य जानकारियां जहां से ये प्राप्त करता था, जिसको ये बेचता था, वो सारी जानकारी उन पर भी कार्रवाइयां होंगी। और बुरहानपुर जिले के फिर से अन्नदाता को बेमौसम बारिश से नुकसान झेलना पड़ा है। शाहपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसानों के अनुसार गेहूं की फसल भी हवाओं से गिर गई है, साथ ही तरबूज पर भी ओले गिरने से किसानों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के किसानों ने मुआवजे के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल से गुहार भी लगाई है। ओलावृष्टि होने के कारण चने की फसल हमारी नष्ट हो गई है, गेहूं आड़ा गिर गया है, तो हमारा कहना है कि शासन की तरफ से हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? गेहूं, चना, मक्का और कई कई आंधी से केलिया गिर गई है, तो हमारा कहना है कि ग्राम बम्बाड़ा में सर्वे करने के लिए आए और लोगों की सहायता राशि में कुछ मदद हो जाए तो अच्छी बात है। ये हमने सभी तहसीलदारों से जानकारी प्राप्त की है। अभी हमको नेपानगर नावरा क्षेत्र से नुकसान की जानकारी आई है। नेत्रांतिक सर्वे के लिए हमने संबंधित तहसीलदारों को आदेशित किया है, वो हमको शाम तक रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से कितनी नुकसानी कहाँ पर हुई है। कई पटवारी ऑलरेडी फील्ड में उतर चुके हैं, बाकी हम अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।